बेरोजगारों के हितों की लड़ाई सदा लड़ी है, अपनों के साथ भी लड़ी है, बाकियों से भी लड़ी है, लगातार 20 साल से लड़ रहे हैं, 25 साल से इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो लड़ाई है मेरी, वो जारी रहेगी। और वो कब क्या रूप धारण करेगी वो आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आई हैव टू फाइट फॉर द काज ऑफ एम्प्लॉय। और वो क्यों लड़ रहा हूं मैं कि 11 लाख से ऊपर अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, 11 लाख अनएम्प्लॉयड अगर सड़कों पे आते हैं तो क्या स्थिति कानून व्यवस्था की होगी, वो एक बड़ा डरावनी सी सिचुएशन है। एमसी में जो रखे हुए हैं वो आईएमसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेट डाउन पॉलिसी है कि 9600 घंटे के बाद उन बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पे ले आया जाता है और पक्के किया जाता है। अगर आप 2.5 साल के 3 साल के बाद किसी को निकालते हो, उसके 6000 घंटे हो गए हैं, तो आप उसके पेट पे लात मार रहे हो, उसकी जगह दूसरा आदमी रख रहे हो। इट इज टोटली रॉन्ग टू डू दैट। जो रखे गए हैं दे आर क्वालिफाइड, दे हैव बीन केप्ट अंडर ए रूल एंड रेगुलेशन, फुल रूल एंड रेगुलेशन। व्हाट इज लेट टुडे वो जो उस दिन था वही कानून आज है, वही व्यवस्था आज है रखने की, उसको कोई चेंज नहीं किया। तो उनको हटा करके नहीं रखने का तो कोई मतलब नहीं होता। चुनाव की बात ऐसे है कि पार्टी गियर अप हो रही है लोकसभा चुनाव के लिए, और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इशू जो है आम जनता के साथ जुड़े हुए उनको उठा रहे हैं। और जैसे समय आएगा पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी पार्टी की, मगर मुझे ये कहने में संकोच नहीं है बिल्कुल भी कि कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। इसलिए हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हमारी बात सिर्फ मुद्दों पे हो रही है, संप्रदायिकता पे हम बात नहीं करेंगे। जो ऐसा एजेंडा है जो कि जिससे सोसाइटी को नुकसान हो, ऐसे एजेंडे को लेकर के हम लोग नहीं चल रहे। अपने नए प्रोजेक्ट लेके आए और नए प्रोजेक्ट जो है अपने वो चलाएं, और हमारे प्रोजेक्टों को जो है वो ज्यादा छेड़छाड़ी ना करें।